वहीं मुंबई में किसान कानून के खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान, राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे सभी हस्ताक्षर। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांचा विजय असो। मुंबई कांग्रेस ने अरोली में मोदी सरकार के किसान कानून के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी बीएल संदीप ने कहा कि मोदी सरकार ने संसद में किसान कानून को गलत तरीके से पारित किया था। यह कानून किसानों को पूरी तरह से तबाह कर देगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इस कानून का विरोध कर रही है। अब तक महाराष्ट्र में 22 लाख किसानों ने इस हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि अब किसान जागरूक हो गए हैं, वो सरकार के बहकावे में नहीं आएंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में सदा उनके साथ खड़ी रहेगी। जिस भी राज्य में हमारी सरकार है, वहाँ हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी का और सोनिया जी का नेतृत्व में लोगों को पास, किसानों को पास लेकर जाने का सोचकर अभी AICC से अक्टूबर 2 गांधी जयंती का दिन शुरू किया था। पूरा महाराष्ट्र में, पूरा देश में अक्टूबर 2 से सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है। अभी आप सबको पता है महाराष्ट्र में 14 अक्टूबर को संगमनेर में और विजुअल कैंपेन से ये कार्यक्रम चालू किया था। पूरा महाराष्ट्र से 22 लाख किसान 22 लाख किसान इसमें पार्टिसिपेट किया था। उद्देश्य हमारा एक ही है कि नई मुंबई की जो वसाहत हुई है वो 2 के ऊपर हुई है। एक APMC मार्केट मुंबई से न्यू मुंबई आया, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया। ये कानून की वजह से हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाला मजदूर, उसको खत्म करने की कोशिश की है। दूसरा APMC मार्केट खत्म करने की कोशिश की। बता दें कि किसान कानून पारित होने के बाद से मुंबई कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक के नेतृत्व में कई बार प्रदर्शन कर चुकी है। देखना होगा कि क्या कांग्रेस के इस विरोध का मोदी सरकार पर कुछ असर पड़ता है या नहीं। स्पेशल डेस्क TV1 India. लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 India को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।